दिन भर पंखों के आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महमारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए। इनका जो चिंता है मन में पिता, उस बातों को हम निकाल फेंकते हैं। मैं यीशु नासरी में होकर तुझको आगे रहता हूँ, इसी समय ये बीमारी मेरे घर से मेरे शरीर से छोड़ के चली जा। व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु मसीह के मधुरों में इतना समाज साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में दिन भर आशीष के लिए, महामारी के लिए, बीमारी के लिए, समस्याओं के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो इस प्रार्थना को अपने रूम में, अपने घर में चालू करके रखिए। परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह में कार्य करेगा। हालेलुया, हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 51 के उसके 17 पद में लिखा है, मेरे पियो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे पियो, जब हम हृदय के गहराई से आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए टूटे मन से हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है, क्योंकि वो टूटे मन और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे दिल की बातों को, मन की बातों को जानता है मेरे पियो। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आपके प्रार्थना में ईमानदारी होनी चाहिए। जो मुंह से निकलता है वही दिल में भी होनी चाहिए, तो प्रभु हमें प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब हम यशाया 65 के 24 पद देखते हैं तो यहाँ लिखता है, उसके पुकारने पहले ही मैं उसको उत्तर दूंगा और उसके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। हालेलुया, प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे पियो, पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। कब? ये वचन किस पे लागू होता है? जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ टूटा मन परमेश्वर के रखते हैं सामने और पिसे हुए मन को वह तुच्छ नहीं जानता, ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको मांगते ही सुन लेता है, मांगने से पहले ही वो उनको दे देता है। हालेलुया, रक्तम चाय। मेरे पियो, हम प्रभु के सामने ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हर एक बंद दरवाजा खुल जाती है, हर एक आशीष झरोखों को परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है, हर एक बंधन टूट जाती है, हर एक बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, इसलिए मेरे पियो, हम प्रभु की उपस्थिति में ईमानदारी के साथ बैठने वाले हो जाए। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। इसका सारा आदर महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो यूट्यूब या ईमेल पर मिल सके। विश्वास के साथ देखें प्रार्थना को। हल्लेलुया, 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 हबरी बहुल्ल रबरी खराबर तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ग्लोरी 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 रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हबरी बहुल्ल रबरी खराबर रक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता इन सारे बातों के लिए। रात में सुना दिए, एक नया दिन दिखाया पिता। जीवितों के बीच में तूने हम सबको जीवित रखा पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा पिता, हर एक महामारी हर एक बीमारी से हम सबको तू बचाए रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। ग्लोरी ग्लोरी रक्तम, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। हम सबको, हमारे परिवार को पिता, हम सबको तू सुरक्षित रखा पिता, और जीवितों के बीच में तूने जीवित रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में कोई महामारी कोई बीमारी पिता परमेश्वर आ भी ना पाए पिता, जल के शून्य हो जाए दूर से ही। हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंप दे। दिन भर पंखों के आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम आज के दिन पिता प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो चिंता में पड़े हुए हैं पिता, वो किसी बात को लेकर चिंतित है पिता, वो कल के लिए चिंता कर रहे हैं कल क्या होगा। मैं पियो, आज का दिन काफ़ी है हमारे लिए,
कल की चिंता प्रभु पर छोड़ दिए। वो प्रभु हमारा इंतजाम करने वाला जीवतों का परमेश्वर है। वो मांगते ही हमारी सुन लेता है, पुकारने से पहले ही उत्तर देता है। कल की चिंता उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का दिन दुख काफ़ी है मेरे पियो। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाएं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। और जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए बंद दरवाजे को खोल देती है। ओ चिंता करने वाली बातें चाहे कितनी बड़े क्यों ना हो, ओ प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु आपको सब कुछ इंतजाम करके देने जा रहा है इस महीना। पिता हम इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनका जो चिंता है मन में पिता, उस बातों को हम निकाल फेंकते हैं और इनको हम आशीष करते हैं। इनके बंद रास्ते को तूने खोल दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम। जो भाई बहन बीमार पड़े हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो दवाई खा के थक चुके हैं पिता, डॉक्टर पास जाना चाहते हैं पिता, वो नहीं जा पा रहे प्रभु जी। वो घर में है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो डॉक्टरों को दिखा के भी थक चुके हैं, अपने जीवन से बहुत से लोग हताश चुके हैं। वो सोचते हैं एक नया दिन आया, एक नया कष्ट मेरे जीवन में आया। प्रभु ऐसे लोगों को बदलने जा रहा है, उसके जीवन को बदलने जा रहा है। अपने सोच को बदलिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही बात मुझ पर आ जाती है, जिस बात से मैं जिससे मैं भयभीत होता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हम डरने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने भय नहीं बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। मेरे पियो अपनी बीमारियों को आगे दीजिए। ऐ बीमारी, यीशु नासरी के नाम में मैं तुझको आज्ञाता हूँ, इसी समय मेरे शरीर को, मेरे घर को छोड़ के चली जा, चले जा। मैं यीशु नासरी में होकर तुझको आज्ञाता हूँ, इसी समय ये बीमारी मेरे घर से, मेरे शरीर से छोड़ के चली जा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। ऐसे बोलिए, बोलिए यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ। उस बीमारी को विश्वास के साथ आगे दी, मैं यीशु नासरी में होकर मैं तुझको आ गया हूँ, मेरे शरीर को, मेरे घर को छोड़ के चले जाए इस समय यीशु नासरी के नाम में। ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु कोड़े खाने सब चंगे हो चुके, ओ हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। रक्तम जयम, रक्तम जयम। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं पिता। इनके हाथों, इनके पैरों, इनके शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना देखने वाले, सुनने वाले हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके शरीर में, उनके घरों में प्रवाहित हो जाए। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। तुमने चंगाई दे दिया पिता, धन्यवाद। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, और जहाँ भी रह कार्य करते हैं पिता, उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम चंगाई की घोषणा करते हैं, और जहाँ भी कार्य करते हैं उस जगह तेरे नाम की महिमा उनके तरफ प्रकट होने पाए। कोई बीमारी, कोई महामारी उनको छू भी ना पाए। हर एक बीमारी को उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पंखों कार में छू पाए रख पिता। पिता जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। इनके परिवार के लोग प्रार्थना करते हो, जहाँ कहीं भी रहते हैं पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रख प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रख। कोई बीमारी, कोई महामारी इनको छू भी ना पाए। धन्यवादित है पिता तूने ऐसा कर दिया। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त पिता भारत देश के लिए पिता, भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। भारत देश तेरे नाम से आशित होने पाए पिता। हाँ पिता, इस महामारी को पिता यीशु मसीह के नाम में मैं तो आगे आता हूँ, जल से जल के जल के शून्य हो जाए, भारत देश से निकल के चली जाए। उसमें हमारे जो बीमार पड़े हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। रक्तम चय, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बीमारी उनके परिवार के लोगों में ना फैलने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता इस वक्त पूरे संसार के लिए पिता, ये महामारी जहाँ जहाँ फैली हुई, जिस देश में अपना घर बसा रही है पिता, अमेरिका, इटली, स्पेन पिता, जहाँ भी है पिता, इन देशों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी करुणा इन देशों बस आप बरसा पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द इस देश से ये महामारी जल के शून्य हो जाए, वहाँ के लोगों को तेरे हाथों में सौंप दे। पंखों की आड़ में छुपाए रख, जो बीमार पड़े हैं वो तेरी ओर फिरने पाए, उनके घर के लोग तेरी ओर फिरने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम हम इनको चंगाई की घोषणा करते। एक बार फिर से भारत देश को तेरे हाथों में सौंप दे। भारत देश तेरे नाम से आशित होने पाए पिता। भारत देश को तू आजाद कर दिया है इस बीमारी से, हम धन्यवाद देते हैं। जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, कार्य आत्माओं में फंसे हुए, हम उनको आजादी की घोषणा करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहदी की आत्मा, इनके जीवन के घर से प्रार्थना को सुनते ही चलते ही वहां से निकल के चली जाए
रक्तम चय, रक्तम चय। ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चारों तरफ छोड़ो बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते और उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का समर्थ, वचन का छुटकारा यीशु मसीह के नाम में आज है पिता। तूने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। जो बच्चे कैसे प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस पास में रुक कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर पापों की क्षमा उससे मांगिए, उससे लगातार प्रार्थना कीजिए। 2020 प्रभु आपको आशीष देने चाह रहा है। तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन तेरे कार्य की तरह प्रचार के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर दारा दशमा से भेंट भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। वो इस परिस्थितियों पिता परमेश्वर तेरे कार्य के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं प्रभु जी, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। और चार जमीन के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। जो भेजने वाले हैं उनको भेजने में सहायता प्रदान कर। जो पिता बीमार पड़े हैं उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके घर में कोई बीमारी रोक ना पाए पिता, उनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं। कोई बीमारी इनको छू भी ना पाए पिता, इनके घर को हम चारों तरफ छोड़ो बांधते हैं, इसलिए बाड़े बांधते हैं पिता। कोई बीमारी कोई महामारी इनको छू भी ना पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनको आशीष करते हैं। बंद दरवाजे तूने खोल दिया, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, उस घर के चारों तरफ छोड़ो बांधते जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन अपने में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई इनके पास ना आने पाए, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुवा धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पुत्र आत्मा के सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते सुन दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। और जब हम टूटे मन लेकर प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु हम मांगने से पहले ही उसको देता है, मांगते ही हमारी सुन लेता है। हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। अगर आप हमें दारा से भेजना चाहते हैं वीडियो का लास्ट में और नीचे में डिटेल मिल जाएगा, सकती अपनी इच्छा के अनुसार हम भेंट दारा दशमांश भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।